हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति और आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि मीशो से कुछ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल सा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज का वीडियो बहुत ही अफोर्डेबल है। इस अफोर्डेबल रेंज में आपको कुर्ता प्लाजो दुपट्टा का सेट सब कुछ मिल जाएगा। सो ये हॉल काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा एंड फिर आपको जो भी लेना है तो सभी का प्रोडक्ट कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, प्रोडक्ट कोड होता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रोडक्ट के कोड मिलेंगे। मीशो ऐप का डाउनलोड लिंक मिलेगा, अगर आप उसके थ्रू जाकर के मीशो ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा, मैक्सिमम ₹100 ऑफ मिल जाएगा आपकी फर्स्ट परचेज पे, तो आप देख लीजिएगा। एंड गाइज, इस वक्त ना मैं एक और रिव्यू आप लोग के साथ जरूर से शेयर करना चाहती हूँ, एप्लीकेशन वगैरह उसका, बिकॉज मतलब इस टाइम मैं डैंड्रफ से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी सच में। तो मैंने ये मामा अर्थ की टी ट्री ली है जिसमें आपको डैंड्रफ से मतलब काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव हुआ है। सो मैं आपके साथ इसका एप्लीकेशन शेयर करने वाली हूँ, रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी डैंड्रफ से परेशान हैं तो ये तीन प्रोडक्ट्स आप डेफिनेटली परचेज कीजिएगा, इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ ममा अर्थ के इन तीन प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये ममा अर्थ का मतलब टी ट्री की रेंज है, इसमें आपको लाइक शैम्पू, कंडीशनर एंड ये हेयर ऑयल मैंने लिया है, बिकॉज अभी इस वक्त मैं डैंड्रफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब जा ही नहीं रहे थे। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लाइक सारे देसी इलाज करके देख लिए, बट डैंड्रफ जा नहीं रहा था। तो मैंने सोचा मतलब क्यों ना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक ममा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, तो उनको यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये दो चीज़ें ली हैं, पहले शैम्पू एंड कंडीशनर। तो जो शैम्पू है वो टी ट्री शैम्पू है, इसमें टी ट्री एंड जिंजर ऑयल मिलता है, जो कि आपको डैंड्रफ से मतलब लाइक छुटकारा दिलाता है। सीरियसली मतलब काफ़ी कम हो गए हैं, इस वजह से मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। एंड ये कंडीशनर है, सेम इंग्रेडिएंट इसमें भी मिलते हैं, तो आपको सिंपली शैम्पू अप्लाई करना है एंड देन कंडीशनर अप्लाई करना है, और उसके बाद आपके धीरे धीरे करके कुछ ही वॉश में आपके डैंड्रफ चले जाएंगे, और आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा, आपका जो स्कैल्प है वो भी हेल्दी रहेगा, और लाइक ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो भी बढ़ाता है आपके स्कैल्प का, तो उससे काफ़ी हेयर ग्रोथ में प्रमोशन होता है, मतलब प्रमोट करता है वो हेयर ग्रोथ को, तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड जो सेकंड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है, लाइक टी ट्री का हेयर ऑयल मैंने इसे लगाया, मसाज किया, और उसके बाद मैंने शैम्पू लगाया एंड देन कंडीशनर लगाया, तो इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, तो जड़ों तक ऑयल जाता है। एंड इसमें भी आपको टी ट्री एंड जिंजर ऑयल मिलेगा, ये भी डैंड्रफ फ्री कर देता है आपके हेयर्स को, एंड नरिशमेंट प्रोवाइड होता है, लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर होंगे आपके, शाइन आती है हेयर्स में, तो काफ़ी यूजफुल ये रेंज है। आपको नॉर्मली ये अमेजोन पे, नायका पे, पर्पल पे एंड इनकी खुद की वेबसाइट है ना mamaearth.in, वहाँ पर भी मिल जाएगा और डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं trends2022, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा आपकी कोई भी परचेज पे, सेल चल रही हो या नहीं चल रही हो। सो गाइज, आपने एप्लीकेशन तो देख लिया, बिकॉज ये नेचुरल इंग्रेडिएंट के बने होते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने इन्हें ट्राई किया है, बिकॉज ये सभी टाइप के जो हेयर्स होते हैं, लाइक आपके स्ट्रेट हेयर हों, ट्रीटेड हेयर हों, या कर्ली हेयर हों, वेवी हेयर्स हों, जो भी हेयर टाइप हो आपका, सबको सूट करता है। मैंने सभी देसी इलाज करके देख लिया था ना, वो वर्क नहीं कर रहा था इस टाइम, नॉर्मली चला जाता है बट इस टाइम वर्क नहीं रहा था, तो मैंने ये रेंज यूज की है एंड इफेक्टिव है एक्चुअली। तो मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको भी ये कोई प्रॉब्लम है, मतलब लाइक डैंड्रफ नहीं जा रहा है, तो आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं। इंडियन ब्रांड है गाइस, प्लास्टिक पॉजिटिव है और लाइक केमिकल्स नहीं होते हार्मफुल, तो और क्या चाहिए आपको, तो आप डेफिनेटली इसे ले लीजिएगा। एंड एक और स्टेप जो है ममा अर्थ का, वो बहुत ही अच्छा है, लाइक आप जब भी कुछ भी परचेज करते हैं ममा अर्थ से, तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक प्लांट से, जो प्लांट वो प्लांट करते हैं, तो लाइक ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, तो अगर फ्रेश एयर रहेगी तो आपकी स्किन, हेयर, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। ममा अर्थ ने रिसेंटली अभी अपनी ऐप लॉन्च करी है, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको लाइक रेगुलर बेसिस पे जो नोटिफिकेशन है, जो ऑफर चल रहा है, जो लिमिटेड टाइम के ऑफर होते हैं, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अगर आप ममा अर्थ की ऐप इंस्टॉल करते हैं देन आप वहाँ से शॉप करते हैं, तो आपको एडिशनल कुछ ऑफर्स भी मिल सकते हैं, तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड देन शॉप कीजिएगा, और ज़्यादा
एडिशनल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स के लिए। सो गाइस, फिलहाल आपने एप्लीकेशन इन सारी डिटेल्स देख ली, तो आपको जो भी लेना आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एंड शेयर करते हैं आप लोगों के साथ आज के प्रोडक्ट्स जो ड्रेसेस मैंने ली है मीशो से। सबसे पहले तो ये कुर्ता, इसका भी लिंक, इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे मैंने ये जिस वीडियो में आपको ये ड्रेस मैंने शेयर की है, तो पूरा रिव्यू वगैरह आप देख करके ले सकते हैं। बिकॉज ये कुर्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, फुल स्लीव मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड लुक भी बहुत अच्छा है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो शेयर करते हैं। सो गाइस, आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सबसे पहले ये कुर्ता है। ये कुर्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। ये आपको ईशिन ब्रांड में गाइस 1200-1300 का मिलेगा एंड मीशो पे बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएगा। इस तरीके का है, कॉटन फैब्रिक का फ्लेयर्ड कुर्ता है। यहाँ पर नेक पे आपको फॉल्स मिरर वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी की गई है, सिल्वर कलर से वर्क किया गया है, कॉटन फैब्रिक है, शेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके का आपको दोनों साइड मिलता है एंड यहाँ पर नीचे जो है पार्ट, यहाँ पर गोटा पट्टी वर्क मिलता है, शेयर बिल्कुल भी नहीं है। पीछे भी आपको पूरा वर्क मिलता है, यहाँ पर भी गोटा पट्टी वर्क लगा हुआ है, लगा हुआ है बेसिकली गोल्डन कलर से एंड इस तरीके का है। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, फ्लेयर्स हैं, लुक बहुत अच्छा है एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो ये आप किसी भी फंक्शन में, पार्टीज में डेफिनेटली एक्सेसराइज करके वेयर कर सकते हैं। तो काफी अच्छा लुक लग रहा था। राउंड इसका नेक है, 3/4 स्लीव है, स्लीव्स के एंड में भी आपको ये गोटा पट्टी वर्क मिलता है, सिल्वर कलर से भी है एंड गोल्डन कलर से भी है। एंड जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइज, वो ना समर्स आने वाले हैं एंड समर्स में ऐसे कपड़े बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, जिसमें अगर आप देख रहे हैं आपको लेना है, तो जो लोग कंफर्ट पे जाते हैं तो वो ये ड्रेस देख सकते हैं। नॉर्मली ये सिंपल सी ड्रेस है, बहुत ज्यादा इसमें एलिमेंट्स नहीं है, बट समर्स के लिए बहुत अच्छी है। इस तरीके से वी नेक मिलता है, पीछे आपको कीलॉक जैसा पैटर्न एंड वुडन बटन मिलती है एंड रेयन एंड कॉटन ब्लेंड इसका फैब्रिक है, 3/4 स्लीव है एंड इस तरीके से ये फ्लेयर्ड कुर्ता मिलता है। सफिशियंट इसमें घेर है, इस तरीके का है, प्रिंटेड है, शेयर बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो प्रिंट वाले कपड़े होते हैं वो समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज आपको लेयरिंग नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज ये शेयर भी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके का ये है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसका कॉटन का दुपट्टा एंड प्लाजो मिलता है, प्लाजो इस तरीके से वाइट कलर का है बट प्रिंटेड है, फ्लोरल प्रिंट मिलेगा वेस्ट बैंड पे, दोनों साइड इलास्टिक है, नीचे से ये नैरो है इस तरीके से एंड ओवरऑल इस तरीके का पैंट है, शेयर नहीं है, वाइट है, बिकॉज इतना हैवी इसमें प्रिंट है तो शेयर होने के कोई चांसेस ही नहीं है। एंड इस तरीके से ये दुपट्टा है, थोड़ा वाइट एंड ब्राउन कलर का ये कॉम्बिनेशन है बट कम्फर्टेबल बहुत है। तो इस तरीके का कॉटन फैब्रिक का है और ये जो प्रिंटेड कपड़ा होता है वो है, अलग से कोई प्रिंट नहीं हुआ है इसमें जो चला जाएगा, तो आप जितना वॉश करेंगे उतना ज़्यादा सॉफ्ट होता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सिंपल एंड घर पे पहनना है, या आप ऑफिस जा रहे हैं, टीचर हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या स्टूडेंट, जिसको भी कंफर्टेबल ड्रेस पहननी पसंद है वो ले सकता है। प्रोडक्ट कोड सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड हो सकता है गाइस इनमें से कोई भी ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो मीशो पे, क्योंकि दिखाते एंड लोग ले लेते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो मैं एक काम ये भी कर सकती हूँ कि प्रोडक्ट कोड भी दे दूंगी, लिंक्स भी अगर मुझे मिलते हैं अमेजोन से या किसी और साइट से तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर अमेजोन पे मिल जाए, फ्लिपकार्ट एंड ऑल पे मिल जाए या मीशो पे मिल जाए, तो आपको जहाँ से भी लेना है आप ले लीजिएगा। एंड जो नेक्स्ट ड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये रही, ये गाउन है एक, इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, स्लीव्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है एंड इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। इस तरीके का है, जॉर्जेट इसका फैब्रिक है, अंदर आपको लाइनिंग प्रोवाइड की गई है तो ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है एंड इस तरीके का है। नेक पे आपको यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी मिलती है, थोड़ा सा ये नग जैसा कुछ लगा हुआ है, फ्लेयर्स काफ़ी अच्छे थे इसमें। आप डेफिनेटली किसी भी पार्टी में, एंगेजमेंट पार्टी हो या ब्राइड टू बी पार्टी हो या समथिंग ऐसी कोई पार्टी हो तो उसमें आराम से पहन के जा सकते हैं। पीछे से प्लेन है बट आगे से इस तरीके का ये है। इसकी स्लीव्स काफ़ी अच्छी है, लेयर्ड स्लीव हैं एंड जॉर्जेट फैब्रिक की ही हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा लुक बहुत अच्छा आ रहा था। एंड मेरी जो हाइट है वो 5'5" है गाइज, उससे थोड़ा सा लंबा है ये, आपको हील्स पहननी पड़ेगी अगर आपकी हाइट 5'5" भी हो या उससे कम हो, क्योंकि मैंने हील्स के साथ इसे पेयर किया था तब ये फ्लोर लेंथ का आ रहा था। तो इस तरीके का है बट मुझे बहुत अच्छा लगा।
इसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप डेफिनेटली इसे देख सकते हैं। और लाइक ऐसे और भी होंगे, आप सर्च बाय इमेज कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। एंड गाइस जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो इस तरीके का है, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है। नेक पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी मिलती है, की लॉक जैसा, की होल जैसा पैटर्न मिलता है। एंड मैंने इसे लाइक इसका रेयॉन फैब्रिक है, इसके कलर्स और भी ऑप्शन अवेलेबल थे बट मैंने इसे इस कलर में लिया, लाइक मरून कलर में। 3/4 स्लीव मिलती है, स्लीव्स पे भी फॉल्स मिरर वर्क एम्ब्रॉयडरी, गोल्डन एंड ऑरेंज कलर से एम्ब्रॉयडरी मिलती है। स्लिटेड एरिया है एंड इसमें जो ये एलिमेंट है ना, पूरा यहाँ से आपको ये लेस मिलता है जिसमें एम्ब्रॉयडरी एंड फॉल्स मिरर वर्क हुआ है। बॉर्डर भी सेम इसी तरीके का है, फ्रंट पे भी पूरा वर्क है एंड पीछे इस तरीके से आपको प्लेन मिलता है। तो रेयॉन इसका फैब्रिक है, बिल्कुल भी शेयर नहीं है। इसके कलर ऑप्शन अगर आप सर्च बाय इमेज करेंगे तो आई गेस और भी कलर ऑप्शन आपको इसके मिल जाएंगे। फिटिंग बहुत अच्छी है, लुक इसका बहुत अच्छा आ रहा था। लाइक आप अगर एक्सेसराइज कर लेंगे तो फंक्शन में पहन के जा सकते हैं, कॉलेज कोचिंग भी पहन के जा सकते हैं, घर पे भी पहन सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल भी शेयर नहीं है, अनकम्फर्टेबल सा है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट इसमें नहीं है, तो आप वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो येलो कलर का है इस तरीके का, और यहाँ पर आपको पूरा गोल्डन कलर से वर्क मिलता है। डोरी मिलती है आपको यहाँ पर एंड इस तरीके से 3/4 स्लीव मिलती है, स्लीव्स के एंड में भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है। स्लिटेड ये कुर्ता है, पीछे से पूरा प्लेन है, रेयॉन इसका फैब्रिक है एंड इस तरीके का है ये। लाइक अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो, हल्दी का या कथा पूजा है, या नॉर्मली आपको लेना है तो भी आप ले सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर मूड एंड चॉइस। तो इस तरीके का ये प्लाजो मिलता है, पूरा वर्क किया गया, जैसे चिकन का वर्क नहीं होता है कुछ उस तरीके का पूरा वर्क किया गया है, पूरा हैवी वर्क है, वाइट कलर का है। वेस्ट बैंड पे दोनों साइड आपको इलास्टिक मिलती है, स्ट्रेचेबल है, फिटिंग काफ़ी अच्छी है, आप दूसरी ड्रेसेस पे भी इसको वेयर कर सकते हैं बिकॉज इसका प्लाजो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लाइक अगर आपकी कोई और भी ड्रेस हो चिकनकारी जिसके नीचे कोई बॉटम वेयर ना हो तो आप इसे वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, लुक भी काफ़ी डिसेंट आ रहा था, तो वो आप देख लीजिएगा, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो भी क्यूट सी ड्रेस है एक्चुअली, मतलब इसकी जो नेक पे एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ब्यूटीफुल सी है, इस तरीके से देख सकते हैं, काफ़ी हेवी एम्ब्रॉयडरी है नेक पे। ये बटन्स मिलते हैं, कोई भी बटन ओपन नहीं होता है, आई थिंक ये फर्स्ट बटन ओपन होता है सिर्फ, हाँ ये फर्स्ट बटन ओपन होता है, उसके अलावा कोई बटन ओपन नहीं होता है। एंड इसमें इतने ज़्यादा कलर्स मिलते हैं तो आपको बॉटम वेयर के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप इनमें से किसी भी कलर का बॉटम वेयर पेयर कर सकते हैं। हाफ इसमें स्लीव मिलती है, स्लीव्स के एंड में ये फ्रिल्स मिलते हैं, फ्लेयर्ड कुर्ता है, बहुत ज़्यादा घेर नहीं है बट हाँ सफिशियंट इसमें घेर मिलता है, रेयॉन फैब्रिक है, पीछे से पूरा प्लेन है, जो भी वर्क है ना वो इसके नेक पे ही है, बट नेक का जो ये वर्क है, एम्ब्रॉयडर्ड जो ये वर्क है वो बहुत अच्छा है, इट्स फ्रॉम द ब्रांड किमायरा, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस है। और लाइक मुझे जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना वो बहुत फाइन वर्क किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। एंड गाइज लास्ट जो सेट है ना वो इस तरीके का है, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर है एंड ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन है। इसका जो फैब्रिक है वो खादी कॉटन है, मैंने इसे मीडियम साइज़ में लिया है, इसमें इस तरीके से स्लीव्स मिलती है, यहाँ तक का जो पार्ट है वो खादी कॉटन है और ये पार्ट जो है वो रेयॉन है, एंड रेयॉन वाले पार्ट पे आपको यहाँ पर प्रिंट मिलता है गोल्डन एंड मरून कलर से, इस तरीके से ए लाइन कुर्ता है, बॉर्डर इस तरीके का मिलता है, पीछे से पूरा प्लेन है, पीछे कोई डिज़ाइन नहीं है एंड इस तरीके से ये पूरा कुर्ता है, ए लाइन कुर्ता, काफी मतलब पहनने पे ये बहुत अच्छा लग रहा था, फिटिंग वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है, समर्स में इस टाइप के ड्रेसेस काफ़ी अच्छे लगते हैं। नेक इसका राउंड नेक मिलता है एंड यहाँ पूरा प्रिंट मिलता है ब्राउन कलर से, एंड जो प्लाजो है इसका गाइस वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, दोनों साइड आपको यहाँ पर इलास्टिक मिलती है एंड इस तरीके से नीचे से ये नैरो है वाइट कलर, यहाँ पर स्लिट भी मिलता है आपको लाइक इस जगह पर, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, श्योर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो रेयॉन है, रेयॉन फैब्रिक का ये ड्रेस है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है, ब्यूटीफुल सा ये पीस है एंड इसका दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, इस तरीके का ये दुपट्टा आप कलर देख सकते हैं, आजकल ये पैटर्न बहुत अच्छा चल रहा है ये दुपट्टे में, एंड आपको यहाँ पर टैसल डिटेलिंग मिलेगी लाइक
दुपट्टे के एंड में, एंड इस तरीके का ये दुपट्टा है। दुपट्टा बिल्कुल भी छोटा नहीं है, आप और ड्रेसेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने साइड में ओपन करके दिखाया है। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल सा पीस है, इसमें 3 पीसेस मिलते हैं, कुर्ता पैंट एंड दुपट्टा का सेट, सभी की क्वालिटी बहुत अच्छी है दिखने में। आपको ट्राई ऑन में दिखा होगा कि किस तरीके का लग रहा है। तो आपको इनमें से कोई भी अच्छा लगा हो, कोई भी लेना है, तो सभी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लिंक्स डिटेल्स एंड ऑल, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई रियली होप आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे कलेक्शन मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अच्छे अफोर्डेबल हॉल के साथ। तब तक के लिए बाय।